आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं कि जब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम ये कैसे डिसाइड करें कि कोई एटम मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, मिनिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, कब उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कब नेगेटिव चार्ज आएगा, कितने लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और किस कंडीशन में लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन घटते या बढ़ते हैं। तो इन सब बातों को समझने के बाद आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो हमेशा लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर होगा। और अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप लॉजिकली प्रूफ कर पाओगे कि कैसे आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है वही स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल है। आपने जरूर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया होगा जिसमें आपको बताया जाता है कि आप 8 इलेक्ट्रॉन सारे एटम का वैलेंस शेल का पूरा करना है, ऑक्टेट पूरा करना है और हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट पूरा करना है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना। जब आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो तो कई बार ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन शॉर्ट पड़ जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते, कई बार ऐसा होता 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं तो आप कंफ्यूज होने लगते हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब 8 आप पूरा कर देते हो और अपने स्ट्रक्चर को बुक में जो बना स्ट्रक्चर उससे मैच करते हो तो आपका स्ट्रक्चर बुक के स्ट्रक्चर से मैच नहीं करता है। तो आप टोटली कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या कॉन्सेप्ट है इसके बीच में, किस तरह से हम डिसाइड करें कि एक एटम मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है या कितने लोन पेयर होंगे, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। तो इन सब बातों का आंसर आज आपको इस क्लास में मिलेगा। अगर इस क्लास को आपने लास्ट तक अटेंड किया तो आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर को लॉजिकली एक्सप्लेन कर पाओगे। तो इसको समझने के लिए जरूरी होता है कि हम थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग ले ऑर्बिटल्स के बारे में। हम जानते हैं कि जो एक एटम का स्ट्रक्चर होता है उसमें बीच में न्यूक्लियस होता है, करेक्ट, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, करेक्ट, जिसको हम शेल बोलते हैं। ये पहली शेल हुई, दूसरी शेल हुई, तीसरी शेल हुई, जिसको हम एन से दिखाते हैं, करेक्ट। अगर पहली शेल है तो n बराबर 1, दूसरी शेल है तो n बराबर 2, n बराबर 3, ये क्लास 9 से ही आप सीखते आ रहे हैं। हम अब जानते हैं क्लास 11 में कि जो शेल होती है वो सब शेल से मिलकर बनी होती है, सब शेल SPDF, और सब शेल जो होती है वो ऑर्बिटल से मिलकर बनी होती है। शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो ऐसे समझो कि एक रूम है, रूम बना है दीवार से और दीवार बनी है ईट से, तो रूम किसका बना हुआ है, रूम ईट से बना, यानी सब ऑर्बिटल से ही बना हुआ है, खाली अलग अलग नाम दिया गया। तो फाइनली हमने ये समझा कि ऑर्बिटल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमको ये समझनी है कि कौन सी शेल ऐसी होती है जो इंट्रैक्शन करती है। देखो यहां पे ये शेल मैंने बनाई, ये शेल, ये बाहरी वाली शेल है N3 वाली, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये बाहरी वाली शेल को हम बोलेंगे वैलेंस शेल। जो सबसे बाहर किसी एटम में शेल होती है उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको बोलेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमेशा यही इलेक्ट्रॉन जब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसी को लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई एटम आएगा तो सबसे पहले किससे कनेक्ट करेगा, बाहर की शेल से, अंदर की शेल में तो पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि ये तो बाउंड्री बनी हुई है। ऐसे समझे इसको कि जैसे आपका दोस्त है, आपसे आता है मिलने के लिए, आपसे हाथ मिलाएगा, गले मिलेगा, यानी आपके बाहरी सरफेस से पहले मिलेगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं वो आपके शरीर के अंदर घुस के बैठ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई एटम आए तो यहां पे चला आए, पहले तो उसको बाहर से ही इंट्रैक्शन करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही लेते हैं, ठीक है, ये आप समझ गए। अब दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझने की है, जैसा मैंने आपको बताया कि ऑर्बिटल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है,
जितनी ऑर्बिटल्स मौजूद होंगी किसी शेल में उतने ही मैक्सिमम बॉन्ड्स कोई एटम बना सकता है। लेट्स से कि अगर n इज इक्वल टू 3 है, यानी n इज इक्वल टू 3 में हमको ये पता चल जाए कि कितने ऑर्बिटल्स इसमें हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, तो इस फार्मूले को आप नोट डाउन कर लो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को निकालने का फार्मूला है n स्क्वायर। n क्या है? यहां पे शेल नंबर है, ठीक बात। अगर मान लो n बराबर 1 दिया जाए तो आपको पूछा जाए कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताओ। सिंपल है, इस फार्मूले में रख दो n की जगह 1 और इसको कैलकुलेट करें, आएगा 1। अगर n इज इक्वल टू आपको 2 दिया जाए तो बोला जाए कितनी ऑर्बिटल्स होगी, तो आप यहां पे 2 रखोगे और इसको स्क्वायर करोगे, 2 को 2 टाइम्स यानी 4। अगर n इज इक्वल टू 3 आपको दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि बताओ तीसरी शेल में कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, तो इस फार्मूले में आप 3 रखोगे n की जगह, स्क्वायर करोगे, 3 को 2 टाइम गुणा करोगे यानी 9 आएगा। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आप देख रहे हैं, पहली शेल में 1, दूसरी शेल में 4, तीसरी शेल में 9। देखो जैसे मान लो मैंने दिया नाइट्रोजन ना, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। अब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लिखोगे 2 और 5, राइट। ये पहली शेल है, दूसरी शेल है, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहर की शेल से इंटरैक्ट करते हैं, यानी बॉन्ड जो बनता है बाहर की शेल से बनता है, करेक्ट, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। इसका मतलब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है यही लुईस डॉट स्ट्रक्चर में इस्तेमाल किए जाएंगे, जिसको हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। अब ये दूसरी शेल में पहुंचा इसका इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल, तो इसका मतलब ऑर्बिटल कितनी होगी? 4। अगर तीसरी में पहुंचता, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 2, 8 और 5, करेक्ट। तो मैं तीसरी शेल में पहुंच गया, तीसरी शेल में कितनी ऑर्बिटल्स मौजूद होगी ये कैसे पता चलेगा मुझे? इस फार्मूले से, यानी 9 ऑर्बिटल्स मौजूद होगी। तो अभी आप ये निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद कि बाहर की शेल में जब इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो वहां पे कितनी ऑर्बिटल्स मौजूद होगी, डन। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताती है कि मैक्सिमम बॉन्ड कितने बनते हैं, ये चीज। तो मैं यहां पे लिख दूं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताएगी कि मैक्सिमम बॉन्ड कितने, मैक्सिमम बॉन्ड्स कितने बनते हैं। पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। अब जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एक्चुअल में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो उस किसी ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इससे पता चलता है। ये तो मैक्सिमम बॉन्ड कितने पॉसिबल है, कितने संभव है ये बता रहा है, लेकिन एक्चुअल में उतने ही बॉन्ड बनेंगे जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में होंगे। तो मैं यहां पे लिख दूं कि ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा एक्चुअल बॉन्ड फॉर्मेशन। एक्चुअल मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ, एक्चुअल बॉन्ड फॉर्मेशन, नंबर ऑफ एक्चुअल बॉन्ड फॉर्मेशन।
तो इसका मतलब किसी ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मैं एक बार दोबारा से बताता हूं, जितने ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे उससे हमको पता चलता है कि वो एटम कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, लेकिन किसकी, बाहरी शेल यानी वैलेंस शेल में। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम एन स्क्वायर से डिसाइड करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, बाहर की शेल ये आई, दूसरी शेल में पहुंचा, दूसरा टू यहां पे लिखा और फिर इसको किया फोर ऑर्बिटल, यानी चार बॉन्ड पॉसिबल है। अब एक्चुअल में कितने बॉन्ड बनेंगे ये डिपेंड करता है कि जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया? चलो एग्जाम्पल के थ्रू आपको और बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। देखो यहां पे पांच है, अब इसमें अनपेयर्ड तो हमको पता ही नहीं चल रहा, करेक्ट। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए हमको एसपीडीएफ के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। तो और लिखते हैं, पहला ये सेवन है, इसमें वन एस टू यानी ये जो ऑर्बिटल है इसमें, उसके बाद आता है 2s2, 2p2, 2p3, करेक्ट। तो दो दो चार और तीन सात, ये दूसरी शेल है क्योंकि 2 2 लिखा है, दूसरी शेल है। यानी ये जो होती है ये हमको बताएगी कि कितनी ऑर्बिटल्स है, ये सबशेल s है, ये p है। हम जानते हैं कि s सबशेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होती है, ये ध्यान में रखिएगा, s सबशेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल। p जो सबशेल होती है इसमें तीन ऑर्बिटल्स होती है, ये सबशेल है और इसकी जो ऑर्बिटल है इसका नाम देते हैं px, py, pz, इसमें तो देने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है। अगर d ऑर्बिटल होगी तो d ऑर्बिटल में d सबशेल होगी तो उसमें पांच ऑर्बिटल्स होती हैं, ये आप जानते हो। अगर f सबशेल है तो उसमें कितनी, सेवन ऑर्बिटल्स होती हैं। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रह सकता है, कितने रह सकता है, मैक्सिमम दो। तो इसको लिख लें यहां पे, वन ऑर्बिटल ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये पॉइंट जो यहां पे लिख रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी आप अच्छे से इसको समझ पाओगे कि ये क्यों लिखा जा रहा है और इसका क्या इस्तेमाल होगा। तो हमने ये समझा कि भाई s सबशेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल, p सबशेल में तीन ऑर्बिटल, d सबशेल में पांच ऑर्बिटल, f सबशेल में 14 ऑर्बिटल, जिसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, अभी यहां पे समझते हैं। तो फाइनली हमने ये देख लिया कि भाई ये हो गया, अब हम इलेक्ट्रॉन यहां पे दिखाएंगे। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो s ऑर्बिटल में मैंने दो इलेक्ट्रॉन, ये जो दो इलेक्ट्रॉन इसको दिखा दिया। अब p ऑर्बिटल में हमको इलेक्ट्रॉन भरने हैं, भरने के लिए हम ऐसे तो भर नहीं सकते, इसके लिए हुंड रूल है। हुंड रूल बताता है कि जितने इलेक्ट्रॉन आपके पास मौजूद हैं पहले उसको पैरेलल स्पिन में आप भर दो, पैरेलल मतलब इस तरह से भर दो, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तब पेयरिंग शुरू करो, ये हुंड रूल है, राइट, आपको ये ध्यान में रखना। तो यहां पे तीन इलेक्ट्रॉन पहले यहां पे भरा, यहां पे भरा, यहां पे भरा, हमने ऐसा नहीं किया दोनों एक ही भर दिया, क्योंकि हुंड रूल के हिसाब से आप दोनों एक ही साथ नहीं भर सकते, पहले इसको पूरा एक एक सिंगल सिंगल भरो, उसके बाद अगर मान लो यहां चार होता तो यहां रखता, पांच होता फिर यहां रखता, इस तरह से करना होता, ठीक है, इतना समझ। तो अब इससे हमको तो ये पता चल गया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, देखो एक दो तीन और बाकी ये तो पेयर है, करेक्ट। तो ये पॉइंट जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताएंगे कि ये एटम कितने बॉन्ड बना सकता है। तो इस केस में आप देखोगे तो तीन बॉन्ड आसानी से बना सकता है। तो मैं इसको यहां पे लिखूं कि n इज इक्वल टू, अगर तीन बॉन्ड बना सकता है, तीन बॉन्ड और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो, यहां पे ये भी लिख दो, वन बॉन्ड हमेशा वन बॉन्ड बराबर होगा टू इलेक्ट्रॉन के, अगर दो एक बॉन्ड होगा दो इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे, एक इसका ये है तो अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड ही तो बॉन्ड बना सकता है, लेकिन पेयर कब होगा, जब दूसरा एटम आएगा जिससे ये कंबाइन करेगा, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां रखेगा,
एक इलेक्ट्रॉन यहां रखेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां रखेगा, तो ये पेयर हो जाएगा, तो वन बॉन्ड बन जाएगा, वन बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, सिंपल। तो चलो इसको समझते हैं। देखो यहां पे एक दो तीन, यानी तीन बॉन्ड बना सकता है। ये क्या है, ये वाला अब हो जाएगा लोन पेयर, जिसके बारे में मैंने शुरू में आपको बोला था, ये हो गया लोन पेयर। यानी नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाएगा तो एक लोन पेयर होगा और कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो अब देखो दूसरी कंडीशन हम देखते हैं। ये मान लो मैंने किया यहां पे नाइट्रोजन, अब मैं चाहता हूं कि चार बॉन्ड बने, तो चार बॉन्ड कैसे बनेगा भाई, एक दो तीन चार, चार बॉन्ड मैक्सिमम तो बन ही सकता है। ये देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल चार है, एक दो तीन चार, तो चार बॉन्ड तो बन सकता है, लेकिन कैसी कंडीशन में बनेगा, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। यहां तो पेयर है, तो इसका मतलब तीन तो बन गया, अब चौथा बनाने के लिए इसको अनपेयर करना पड़ेगा मुझे। अनपेयर करने के लिए एक निकालेंगे, जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो कौन सा चार्ज आता है, प्लस, लेते हो तो नेगेटिव, तो इसका मतलब इस पे प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया तो अनपेयर्ड हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया। अब चार बॉन्ड ये बना सकता है क्योंकि हर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका मतलब चार बॉन्ड ये बना सकता है। ठीक बात है, ये चार बॉन्ड बन गए, डन। अब ये भी ध्यान में रखना है कि तीन बॉन्ड से ज्यादा, एक एटम तीन बॉन्ड से ज्यादा दूसरे एटम से नहीं बना। देखो जैसे मान लो कार्बन है ना, कार्बन, ये आपने कार्बन से जोड़ा, तीन बॉन्ड बनाया, और एक बॉन्ड दूसरे एटम से या दूसरे कार्बन से जोड़ना होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप यहां चार बॉन्ड बना दो, नहीं, ये अलाउड, मैक्सिमम तीन बॉन्ड। ठीक है, ये आप करते करते धीरे धीरे सीख जाओगे, लेकिन यह ध्यान में रखना मैक्सिमम तीन ही बॉन्ड बनाना, क्योंकि तीन से ज्यादा पॉसिबल नहीं। अब ये दूसरे एटम से हो सकता है, दूसरे या सेम एटम से होता है, लेकिन एक ही एटम के साथ चार बॉन्ड नहीं बना पाओगे। तो फिलहाल हमारे पास फाइनली आया कि पॉजिटिव चार और तीन बॉन्ड, कोई लोन पेयर है, नहीं लोन पेयर है, देखो लोन पेयर पेयर में होता है, वो तो है ही नहीं। चलो फिर हो गया, तो अब फिर अपना पुराना वाला स्ट्रक्चर लिख देते हैं ये। अब दूसरा सोचते हैं कि अगर दो बॉन्ड बनाए तो, कितना, दो बॉन्ड बनाए, तो चलो सोचते हैं कि दो बॉन्ड बनाएगा, तो दो बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास दो अनपेयर्ड होना चाहिए, राइट। यहां पे तो तीन है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए यहां पे, तो दो अनपेयर्ड बचेंगे और बाकी पेयर्ड, पेयर्ड वाले तो बॉन्ड बनाते नहीं, वो लोन पेयर के तरह, तो इसका मतलब यहां पे दो लोन पेयर बच जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन लिया है नाइट्रोजन ने तो उस पर एक नेगेटिव आएगा, तो एक नेगेटिव आएगा, अब ये दो बॉन्ड बना सकता है, करेक्ट। तो ये आपने सिचुएशन देखी कि अब ये दो, हां दो बॉन्ड बना सकता है। अब मान लो एक बॉन्ड बनाना है, कितना, एक बॉन्ड बनाना है, तो ये पुरानी सिचुएशन में फिर से आ गए, एक बॉन्ड लेस से बनाना है नाइट्रोजन, तो यहां पे मैंने लिखा एक बॉन्ड बनाना, एक बॉन्ड बनाने के लिए मुझे दो इलेक्ट्रॉन बाहर से लेना पड़ेगा, ठीक, तब उसके बाद तीन लोन पेयर बन जाएंगे, एक दो और तीन, तीन लोन पेयर बन जाएंगे, उसके बाद एक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो एक बॉन्ड बन सकता है, तो एक बॉन्ड, हमने इलेक्ट्रॉन कितना लिया, हमने इलेक्ट्रॉन लिया दो, तो चार्जेस कितने आएंगे, दो नेगेटिव चार्जेस आएंगे। तो आपने देखा कि कैसे डिसाइड करना है कि कितने बॉन्ड पॉसिबल है, कितने लोन पेयर हो सकते हैं, कब पॉजिटिव हो सकता है, कब नेगेटिव हो सकता है, राइट। क्लियर पिक्चर दिमाग में आ रही है, अभी एग्जांपल लेंगे तो और भी बेहतर ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि किस तरह से बॉन्ड डिसाइड किए जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज डिसाइड। जैसे ऑक्सीजन का लेते हैं ना, बड़ा फेमस, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 1s2 2s2 2p4, राइट, दो दो चार और चार आठ, ये कौन सी शेल में पहुंचा, दूसरा, दूसरी शेल में ऑर्बिटल्स कितनी, चार, कैसे हमने डिसाइड किया, एन स्क्वायर फार्मूले से, डन। अब हमको, हम जानते हैं एस सब शेल में एक ऑर्बिटल होती है और पी सब शेल में होती है तीन ऑर्बिटल्स,
तो हमने तीन बना ली। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करूंगा यहां पे एंटी पैरेलल स्पिन में दोनों होंगी, और इसको हुंड रूल के हिसाब से फिल करूंगा। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन में फिल करूंगा, उसके बाद पेयरिंग शुरू करूंगा, तो तीन इलेक्ट्रॉन तो हो गए, एक इलेक्ट्रॉन और बचा है, तो मैं ऐसे कर दिया। अब यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने होंगे वही बॉन्ड बनाएंगे। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? दो, तो बॉन्ड कितना बनेगा? दो, तो ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाएगा। और कितने लोन पेयर होंगे? दो लोन पेयर होंगे, कोई चार्ज नहीं होगा। एक कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है, सिंपल है। अब हम सोचते हैं कि ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड बनाने के लिए एक अनपेयर्ड होना चाहिए, यहां पे तो दो अनपेयर्ड है, तो एक यहां पे पेयर होना चाहिए पहले। जब पेयर होगा इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया, राइट। अब पेयर ये हो गए तो एक दो तीन, कितने लोन पेयर हो गए? तीन लोन पेयर हो गए, तो हमने यहां पे तीन लोन पेयर दिखा दिया, ठीक है। और बॉन्ड कितना बन गया? एक, ठीक। अब दूसरा कुछ सोचते हैं, मान लो कि तीन बॉन्ड बनाने हैं तो कितने अनपेयर होना चाहिए? तीन अनपेयर। तीन अनपेयर होने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना पड़ेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, पक्का 100% पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन गया। अब तीन अनपेयर हो गए, अब बॉन्ड बन सकता है, लेकिन अब इस कंडीशन में कितने लोन पेयर बचे रहे? सिर्फ पेयर में दो ही है, तो यही लोन पेयर होंगे। और बॉन्ड कितने बन गए? तीन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि तीन अनपेयर हो गए, ठीक है। अब हम सोचते हैं कि चार बॉन्ड बन सकता है, बन तो सकता है, क्योंकि एक दो तीन चार, चार ऑर्बिटल है, तो चार ऑर्बिटल यानी मैक्सिमम बॉन्ड उतने बन सकते हैं जितने ऑर्बिटल्स मौजूद है। तो चार बनाने के लिए देखो सोचते हैं कि कैसे चार बनाने के लिए, सबसे पहली कंडीशन ऑर्बिटल को अनपेयर होना पड़ेगा, अनपेयर होने पड़ेगा तो मतलब चार ऑर्बिटल, एक इसने निकाला ना, एक क्यों निकाला? दो निकाला भाई, देखो ये तो हमारा जो ओरिजिनल स्टेट है, एक इलेक्ट्रॉन में यहां से निकालूंगा, एक यहां से निकालूंगा, तब हमको चार अनपेयर मिल जाएंगे। तो यानी दो इलेक्ट्रॉन निकाला तो मैं दो लिखूंगा, यहां पे कोई पेयर में है नहीं है तो लोन पेयर नहीं होगा। अच्छा, अब इसमें चार बॉन्ड बना सकता हूं? हां बना सकता हूं, तो इस तरह से बनाया। अब यहां पे दो पॉजिटिव चार्ज है, जो ऑक्सीजन होता है बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन खींचने के चक्कर में रहता है, तो देना उसके लिए बड़ा मुश्किल है, तो ये कंडीशन तो बड़ी मुश्किल से एग्जिस्ट करेगी, करेक्ट। लेकिन फिर भी अगर फ्यूचर में हम कुछ ऐसा कर सकें जिससे दो इलेक्ट्रॉन इसके निकाल सके, तो चार बॉन्ड भी बन सकता है, राइट, पॉसिबिलिटी ये भी है। तो इस बात को यहां पे लिख लिया जाए, ऑक्सीजन का मैंने ये, अगर यहां पे दो लोन पेयर है तो दो बॉन्ड है, एक नेगेटिव चार्ज तो एक तीन हो सकता है लोन पेयर मौजूद हो, राइट। या ऑक्सीजन का ये प्लस हो तो यहां पे इस तरह से हो सकता है, या ऑक्सीजन का दो प्लस हो और यहां पे तीन बॉन्ड हो सकता है, तो ये ठीक है, तो ये हो सकता है, करेक्ट। ये तो ऑक्सीजन की बात हो गई। तो चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ठीक। एग्जांपल के लिए हम लेते हैं जैसे फास्फोरस का, फास्फोरस का होता है कितना? 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। देखें, दो दो चार और छह दस, दो बारह, तीन पंद्रह। हमको वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से मतलब है, तो सबसे बाहर की शेल ही वैलेंस शेल होती है, तो ये वाली तीसरी, तीसरी वाली में कितनी ऑर्बिटल्स है? यहां पे मैंने निकाला है 9 ऑर्बिटल्स मौजूद है, यानी मैक्सिमम ये 9 बॉन्ड बना सकती है, पॉसिबिलिटी यही है कि 9 बॉन्ड बना सकती, बनाती या नहीं बनाती है डिपेंड करेगा कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद है। तो आओ देखते हैं, एस में कितनी ऑर्बिटल भाई? ये एक। पी में, सबशेल में कितनी ऑर्बिटल मौजूद? तीन, है ना। तो हम तो यहां बता रहे हैं 9 ऑर्बिटल, और यहां भी सिर्फ हमको चार दिख रही है, राइट, चार दिख रही है, लेकिन जो और ऑर्बिटल्स है हमारे पास है लेकिन खाली है। तो तीसरी में 9 ऑर्बिटल्स हैं लेकिन खाली हैं, तो कौन सी ऑर्बिटल्स हैं? वो डी वाली ऑर्बिटल्स हैं, जिसमें डी सबशेल वाली है, जिसमें 5 ऑर्बिटल्स मौजूद होंगी।
तो एक दो तीन चार पांच, तो देखो पांच और तीन आठ और एक नौ, नौ ऑर्बिटल हुई, राइट। जब हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बता रहे थे तो उसमें मैक्सिमम चार ऑर्बिटल्स ही हो सकते, दूसरी ऑर्बिटल मौजूद ही नहीं थी, लेकिन यहां पे ऑर्बिटल्स मौजूद है, खाली है लेकिन है हमारे पास, ठीक। चलो अभी हम इसको इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, यहां पे एक यहां से दिखा, एक इधर से दिखा, यहां पे हम दिखाएंगे तो हुन रूल से पहले पैरेलल स्पिन, उसके बाद तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं, फाइनली ये आया कि दो यहां पे है, तीन यहां पे, और ये हमारे पास वैकेंट या खाली डी ऑर्बिटल्स मौजूद है। अब हम और सोचते हैं, अगर हम पांच बॉन्ड बनाना चाहें, पांच बॉन्ड, राइट, तो मान लो पांच बॉन्ड इस तरह से, मैंने पांच बॉन्ड बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हमारे पास तो तीन ही है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को बाहर निकालें, नहीं, क्यों, क्योंकि बाहर निकालने की जरूरत नहीं, हमारे पास रूम तो मौजूद है, जब घर में रूम मौजूद है तो बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं, तो इसको यहां पे हम कर दे, तो इसको उठाया हमने और यहां पे हमने कर दिया, करेक्ट। अब ये क्या कर सकता है, पांच बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि कंडीशन है कि अनपेयर्ड जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ऑर्बिटल में उतने बॉन्ड बन सकते हैं, तो पांच बन सकते हैं। क्या इस पे कोई चार्ज आएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि हमने बाहर थोड़े ना निकाला है, हमने तो उसी एटम की ऑर्बिटल्स में ही रखा है, तो कोई चार्ज भी नहीं आएगा। तो एक कंडीशन तो ये हो गई पांच बॉन्ड बनाने की। अच्छा भाई, दूसरा देख लेते हैं, क्या तीन बॉन्ड बना सकता है, हां, क्या कोई चार्ज आएगा, नहीं आएगा, तो तीन बॉन्ड क्यों चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि देखो एक लोन पेयर यहां पे पेयर में है, तो इसको लोन पेयर के जैसे मैं दिखा दूंगा, और ये तीन अनपेयर्ड है, तो बॉन्ड बना लेगा, कोई चार्ज आने का कोई सवाल नहीं होता, ठीक है, ओके भाई। अब उसके बाद अगर हम चार बॉन्ड की बात सोचें कि क्या चार बॉन्ड बन सकता है, तो चार बॉन्ड बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहां नहीं रखना पड़ेगा, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। ये सिचुएशन है, आप सोचो, ए भी पॉसिबल हो अगर, तो चार बॉन्ड भी बन सकता है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएगा। अगर बाहर निकल गया इलेक्ट्रॉन तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा, लोन पेयर तो कोई नहीं होगा, अनपेयर्ड तीन इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन है, तो अब हम चार बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलो एक बॉन्ड का सोचते हैं, सोचने में क्या है ना, सोचते हैं, तो ये सिचुएशन, एक बॉन्ड का सोचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन एक रखना पड़ेगा, यहां पे तो बाहर से हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो हमको दो नेगेटिव चार्ज लगाना पड़ेगा, करेक्ट, दो नेगेटिव चार्ज लगाना पड़ेगा, तो एक अनपेयर्ड रहेगा, फिर बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन जब दो बाहर से लाएंगे हम इस तरह से, तो हमारे पास जो लोन पेयर हो जाएंगे एक दो तीन, यानी हमको यहां पे तीन लोन पेयर दिखाने पड़ेंगे, ठीक है, और एक बॉन्ड उस कंडीशन में बन जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि मैक्सिमम फास्फोरस के केस में नौ बॉन्ड बन सकते हैं, लेकिन बॉन्ड तो उतने बनेंगे जितने अनपेयर्ड होंगे, तो जनरली आप देख रहे हो तीन में तो आराम से बन जा रहे हैं, एक यहां पे कर रहे हैं पांच बॉन्ड, तीन और पांच बॉन्ड फास्फोरस में आपको बहुत दिखेगा, ये वाली सिचुएशन आपको कम दिखेगी, क्योंकि यहां पे ऑर्बिटल मौजूद है तो ज्यादातर बॉन्ड युद्ध से हो जाता है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा सके तो चार बॉन्ड और एक बॉन्ड भी बन सकता है, पॉसिबिलिटी तो है ना, तो हम सारी पॉसिबिलिटी को यहां पर देख रहे, ठीक है। तो एक सिचुएशन ये हो गई, इसको मैं लिख लूं, यहां पे अपने पास हुआ फास्फोरस का पांच बॉन्ड है ना, फास्फोरस का तीन बॉन्ड, और ये फास्फोरस का अगर चार बॉन्ड बनेगा तो ये होगा, फास्फोरस का अगर एक बॉन्ड बनेगा तो ये सिचुएशन आएगी, ठीक है। ये अपने बातें यहां पे देख ली, अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे पॉजिटिव चार्ज आता है, कैसे लोन पेयर आता है, कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन किस कंडीशन में होता है, ठीक है, ये एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर ये आपको क्लियर हो गया है तो अब आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी। चलो कुछ एग्जांपल मैं अभी ले लेता हूं, कुछ एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, जहां पे हम ढेर सारी स्ट्रक्चर बनाएंगे और आपको जहां जहां कंफ्यूजन होगा वो सारे कंफ्यूजन हम दूर करेंगे, दो चार पांच स्ट्रक्चर नहीं ढेर सारे स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो बिल्कुल हमको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, हम मैं आपको
बताऊंगा कि जो इस क्लास में मैंने आपको समझाया कि बॉन्ड कैसे बन रहा है, वहां पे भी सेम लॉजिक लगेगी। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल ले लें और हम और बेहतर ढंग से समझेंगे। ठीक है, चलो जैसे मान लो N2 का आपको बनाना है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो N का, ये 7 होता है, तो आप लिखोगे 1s2 2s2 2p3, करेक्ट, 2 2 4 3 7। बाहर की शेल हम कंसीडर हमेशा करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, इसलिए इसको देखेंगे। अब इसमें हम ऑर्बिटल्स बनाए, एस सबशेल में एक ऑर्बिटल, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल। अच्छा, अगर हमको देखना हो कि दूसरी शेल में कितनी ऑर्बिटल्स है, तो एन स्क्वायर फार्मूले से देखेंगे, 4 ऑर्बिटल। एक ही मिनट में, एक ही सेकंड में हमको क्लियर हो गया कि नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास ऑर्बिटल्स ही नहीं मौजूद है। दूसरी शेल में ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ 4 है, तो मैक्सिमम बॉन्ड सिर्फ बन सकता है जितनी ऑर्बिटल्स है, 5 बॉन्ड नहीं बन सकता, जबकि 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है बाहर की शेल में। आप देखो 2 3, तो ऐसे दिमाग में आ सकता है कि 5 बॉन्ड बना दे। इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है इस पे डिसाइड नहीं होता, डिसाइड इस पे होता है कि ऑर्बिटल्स कितनी प्रेजेंट है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, तो चलो इसको सोचते हैं। तो यहां पे इसका मतलब ये हुआ और इस तरह से हुआ, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन होम के रूल के अनुसार ये भर गए। इसका मतलब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बड़ी आसानी से बना सकता है, राइट। एक नाइट्रोजन का लिखा, इसी तरह से 2 नाइट्रोजन है, तो अब हम ऑक्टेट पूरा है, तो ऐसे लिखें, नाइट्रोजन के 5 है इलेक्ट्रॉन, बाहर की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 है, तो फटाफट लिखो 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, अब लिख दिया। अब ऑक्टेट पूरा करना है, मैंने बोला है कि एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन आपको लगेंगे, तो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहां से हटाया मैंने 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 3 मैं आराम से बना लूंगा ना, तो 3 बॉन्ड बना देता हूं, है ना, तो ये यहां से उठाया मैंने और ये, ठीक है, तो गिनते हैं 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बन गए मैच, सॉरी 4 बॉन्ड नहीं बने, एक लोन पेयर है ये वाला, यहां पे हमने कर दिया और 3 बॉन्ड बनाए, 1 2 3, और यहां पे ये कैसे हुआ होगा, इसने अपना दिया हुआ है यहां पे, तभी तो बॉन्ड बना ना, लेकिन अनपेयर ये भी होगा, अनपेयर ये भी होगा, जब बनेगा तो पेयर हो जाएगा, यानी एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब गिनती करते हैं, 1 2 इलेक्ट्रॉन, 4 2 6 2 8, 8 पूरा। इसी तरह से इसका देखोगे, इसका देखोगे तो इसमें हुआ 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा। अब देखो जो मैंने तुमको यहां पे बताया, यहां पे देखो 3 बॉन्ड है एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड है एक लोन पेयर है, मैच कर रहा है, 3 बॉन्ड है एक लोन पेयर है, बिल्कुल आप लॉजिकली समझ पाओगे कि सब चीजें कैसे हो रही है। अब देखो तुमको सिखाता हूं बड़ा फास्ट और क्विकली कि फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, जिसके लिए आप फार्मूला वार्मूला यूज करते हो और बड़ी मुश्किल से समझ पाते हो कि फॉर्मल चार्ज कैसे आएगा। अभी देखो फॉर्मल चार्ज कैसे देखना, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के यहां, 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के यहां, 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के यहां, इलेक्ट्रॉन के कितने, नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 5, बाहर की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, तो इसने कोई इलेक्ट्रॉन लिया नहीं, लिया कोई इलेक्ट्रॉन दिया नहीं, क्योंकि 5 उसके थे और 5 उसके पास है, तो कुछ चार्ज नहीं आएगा, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं है, 0, फॉर्मल चार्ज इसका 0। इसी तरह से इस पे करोगे 2 3 4 5, इसका खुद का 5, इसने ना दिया ना लिया, 5 का 5 इसके पास ही, शेयरिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन देना या लेना नहीं होता, शेयरिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन हमने बीच में रख दिया, आप भी यूज करो मैं भी यूज करो, आप वाला इलेक्ट्रॉन मैं यूज करूंगा, लेकिन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो शेयरिंग में इसके पास है उसके इलेक्ट्रॉन तो ही है, तो ना दिया ना लिया तो कोई चार्ज, तो फॉर्मल चार्ज इस पे भी 0, इस पे भी 0। और हम देख रहे हैं ये नाइट्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूल है उस पे कोई चार्ज है भी नहीं, तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर परफेक्ट है और यही सबसे एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर हुआ। ठीक, दूसरा देखते हैं, अब ध्यान दो, दूसरा मान लो
तुम स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो NO का, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा हमको, हम जानते हैं ऑक्टेट पूरा करेंगे। तो नाइट्रोजन का हम कैसे लिखेंगे, नाइट्रोजन का साथ हो तो हम लिखेंगे 2 और 5, राइट। फटाफट लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, चलो ऐसे लिखता हूं, नहीं आप कंफ्यूज शायद हो जाओ। 1s2 2s2 2p3, करेक्ट। ये बाहर की शेल है, इसी शेल से हमको मतलब है, तो मैं यहां पे ये किया और यहां पे मैंने, ठीक है, ये सिचुएशन हो गई। ऑक्सीजन का लो, ऑक्सीजन का 8 है, ऑक्सीजन का 8 है, तो इसका 1s2 2s2 2p4, यहां पे इस शेल से मतलब नहीं, वैलेंस शेल से मतलब है अपने को। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पे अपन करेंगे तो ये अब ये अन, सबसे पहले पैरेलल स्पिन में कर दिया हूं रूल से, अब ये कर दिया हमने इस तरह की कॉन्फिगरे, ये जो मैंने लिखा ये आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी लिखने की, दिमाग में फटाफट आता रहेगा, ये तो मैं शुरू में आपको करा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। तो चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, नाइट्रोजन ऐसे लिखो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बाहर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, तो कैसे 2 2 4 1 5। ऑक्सीजन के बाहर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 2 2 4 2 6, ऐसे लिख लो। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, 2, कितने यूज होते हैं 2, तो चलो बनाते हैं। ये किया, कहीं से भी लो, ये हमने बना लिया, ठीक है। क्या ये सिचुएशन ऑक्सीजन के पॉसिबल है, 2 2 4 और 2 6 पॉसिबल है, देखो हमने यहां पे लिखा हुआ पहले से, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है। नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की तो यहां दिख ही नहीं रहे, अब हमको सोचना पड़ेगा कि हम इसका 8 अगर कर दें, चलो मान लो कि मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन उठाता हूं और यहां पे बना देता हूं, तो ये क्या सिचुएशन पॉसिबल है ऑक्सीजन की, नहीं 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये तो ऑक्सीजन के ज्यादा हो गई, तो ये मतलब सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे कैसे है इसका, इसका देखें, 2 1 3 1 4 1 5, देखो 2 1 3 1 4 1 5, इसके 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है, इसका मतलब कोई चार्ज तो आएगा नहीं इस पे, करेक्ट। ऑक्टेट भी इसका नहीं पूरा हो रहा है, क्यों, क्योंकि 2 एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 1 7 7 ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। तो अब हम ये सोचेंगे कि हम इसका ऑक्टेट पूरा कराने के लिए हम और बॉन्ड बनाए, तो लेट्स से कि हम यहां से उठाते हैं और ये बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है, ऐसा है, बना दिया। अब क्या ये सिचुएशन मौजूद है, हाँ ये मौजूद है, तो अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमने ये सोचा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहां से तो मैं देख के आपको बता रहा हूं, और वैसे भी मैंने शॉर्ट में भी बताया कि आप कैसे फॉर्मल चार्ज फटाक से निकालो, अभी वो भी समझा दूं। अब विचार करते हैं इस पे, 2 2 4 2 6 2 8 इसका पूरा है, इस पे देखते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी 2 2 4 2 6 2 8 ऑर्बिटल्स में ये जो नाइट्रोजन की ऑर्बिटल्स है ये 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। उसके बाद एक एल तो इससे भरी पड़ी है लोन पेयर से, है ना। अब बची 3 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल से एक एक इलेक्ट्रॉन इसके नाइट्रोजन के ये भर गए, ये इलेक्ट्रॉन के दर जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन के लिए जगह नहीं है, इसका मतलब 100% श्योर हो जाओ कि ये बॉन्ड नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि ऑर्बिटल्स ही नहीं है, जितने ऑर्बिटल्स है एक में लोन पेयर भरा हुआ है और 3 में ये भरा हुआ, तो ऑर्बिटल्स नहीं तो एक इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, और हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के केस में 4 ऑर्बिटल से ज्यादा है ही नहीं, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन भर गए, यानी 4 ऑर्बिटल फुल हो गई, 4 ऑर्बिटल फुल हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन का कहीं जगह नहीं है, तो इसका मतलब ये बॉन्ड तो बनेगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे जो ये है इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर और कोई सिचुएशन पॉसिबल है, और कोई सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। चार्ज का चलो मैं बता देता हूं, मैंने जैसे बताया कि चार्ज इस पे कैसे, जैसे मान लो 3 है तो ये चार्ज कैसे आया था, देखो कैसे हो रहा है, एक ऑक्सीजन का एटम, 2 3 4 5, ऑक्सीजन के बाहर के शेल में होते कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 4 6, एक कम हो गए, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, समझ में आ रहे। अगर ये सिचुएशन होती 2 2 4, तो पॉसिबल नहीं, नहीं तो उसमें फालतू में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल चार्ज डिसाइड करने का ये तरीका हुआ। तो आपने देखा
कि कितने मैक्सिमम बॉन्ड बन सकते हैं, कौन सी लॉजिक वर्क कर रही है। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट हमने इस्तेमाल किया, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम नेक्स्ट क्लास में यूज करेंगे, और आपको जिस जिस लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन है वो सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे, फॉर्मल चार्ज निकाल के आपको बताएंगे और मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। ऐसे तो स्ट्रक्चर आप बहुत से देखते होंगे, लेकिन एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर कौन सा है वो बना के आपको बताया जाएगा। तो फाइनली जो हमने समझा कि बॉन्ड, मैक्सिमम बॉन्ड कितने बनते हैं वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पे। जितनी ऑर्बिटल्स होंगी किसी शेल में, बाहर की शेल हम देखते हैं, उतने ही मैक्सिमम बॉन्ड बन सकते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू मैक्सिमम बॉन्ड। जो मैक्सिमम बॉन्ड बनेंगे वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पे डिपेंड करते हैं। चार ऑर्बिटल चार बॉन्ड, 10 ऑर्बिटल 10 बॉन्ड, 9 ऑर्बिटल 9 बॉन्ड, इतने पॉसिबल है। लेकिन बनेंगे कितने? जितने ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी ऑर्बिटल हमारे पास 5 मौजूद है लेकिन अनपेयर्ड हमारे पास 3 है, तो 3 ही बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, अगर ऑर्बिटल्स हमारे पास लेस से 9 है लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारे पास सिर्फ 5 ही मौजूद है, वो भी अनपेयर्ड, तो बॉन्ड सिर्फ 5 ही बनेंगे। ठीक है, लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पेयर में बचे रहते हैं, अनपेयर्ड को छोड़ के जो रहेंगे वो लोन पेयर बन जाते हैं। ठीक है, एक बॉन्ड में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी अगर 4 ऑर्बिटल मौजूद है तो टोटल इलेक्ट्रॉन सिर्फ 8 हो सकते हैं। 9 ऑर्बिटल अगर आपके पास मौजूद है तो मैक्सिमम एक में 2 भरोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर का मास्टर बना देगी। ठीक है, तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत से एग्जांपल लेंगे और ढेर सारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे और सीखेंगे कि कैसे मैक्सिमम बॉन्ड बना सकते हैं, लॉजिकली उसको प्रूव करेंगे, साथ ही साथ पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर्स किस तरह से आते हैं इसको भी देखेंगे। और कुछ एग्जाम्पल करने के बाद हम बहुत ही क्विकली कर पाएंगे, इतना कुछ हमको करने की जरूरत, क्योंकि ये शुरू की चीजें थी तो बताने में थोड़ा टाइम लगा, नहीं तो आप फटाफट इलेक्ट्रॉन लिखोगे और एडजस्टमेंट हो जाएगा और विद इन फ्यू सेकेंड्स आप जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है उसको आसानी से बना लोगे। ठीक है, तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइज़।